अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, की हाल है तुहाडा। मैं करने आ तुसी भी खैरियत नाल होवोगे, मैं भी खैरियत नाल आ। मैं ताडी होस्ट सोबिया खान दी, जिस तरह तुहानू पता है कि माशाल्लाह ईद दा अज तीसरा दिन है और सुबह दी रूटीन दी वीडियो बनाई सी तुसी देखी आ और हुण मैं शाम दी रूटीन दी वीडियो है और शाम दे विच अज मैं एक नवी डिश बना रही हां और मैं करांगी मेरे व्यूअर्स नूं पसंद भी आएगी। लेकिन उस तो पहले अगर तुसी साडे चैनल ते नए जे साडे चैनल नूं सबसक्राइब भी कर दो, वीडियो लाइक भी करया करो और शेयर भी करया करो। तो जी व्यूअर्स, तुसी देख रहे थे कि मैं मिठाई भी रख के बैठी हाँ और चिकन भी रख के बैठी हाँ और बादाम बदू भी रख के बैठी हाँ। मैं इन्हों खा के तो मैं मोटी होना है क्योंकि साढ़े व्यूअर्स आते हैं सोबिया खान तू सुक गई है तो कुछ खाया पिया कर। तो मैं क्या चलो जी कुछ चंगा चूसा खाने तो मोटे होंगे। तो जी व्यूअर्स, अज मैं बना लगी हाँ मतंजन। इन्हू आप मतंजन भी साध सकते हैं और मिठे चावल भी चिकन वाले आप साध सकते हैं और इन्हें बनाने का तरीका वह भी तुम मैं दसनी हाँ। लेकिन मैं पहले तुम चीज़ा दसनी हाँ कि मैं की चीज़ है। सब तो पहले लिया जी तीन पा चावल। चावल के उबाइल हो रहे हैं देखो तुम और फिर अद्धा किलो चिकन ले आए। अगर तुम ज़्यादा भी पाना चाहते जो तुम ज़्यादा भी पा सकते जे ठीक है। मैं अद्धा किलो लिया है तीन पा चावल ने, अद्धा किलो चिकन लिया है, नाल मठियाई मंगवाई आ ठीक है और यह मुरब्बे आ तुहानू पता है छुहारे गिरी मेवा और बादाम ले आ और पिस्ता। इहदा नाम मैनू बड़ा वो खांदा, वैसे मैनू पता है कि चीज़ ना इहदा वो खांदा तो पिस्ता लिया है। तो जी बस हाँ एक चीज़ रह गया कलर केड़े आ इन्हां दे विच केड़े पाने आ वो अंदर पए आ मैनू याद नहीं रखने। जी व्यूअर्स हुण इन्हां बनाने आ चिकन। तुसीं देखो मैं उबाइल कर लिया और पानी थोड़ा जिहा पाना है और हल्की आग ते चिकन नूं उबाइल करना है ठीक है कि पानी ना इहदे विच ज़्यादा रहे। फिर किहड़ा पानी अगर तुसीं इहदे विच पानी नूं साइड ते कढ दोगे तो फिर किहड़ा सारा सब चिकन दा उह पानी दे विच आ जाएगा तो फिर चिकन किहड़ा अपना फोका बन जाएगा। हुण तुसीं देखो कि बिलकुल गल गया हैगा वे। तो देखो हिसाब का पानी लाना है, हिसाब का पानी ला के इन गाल लेना है और पानी बिल्कुल इतना खुशक कर लेना है। जिस तरह तुम देखो कि बिल्कुल मैं पानी खुशक कर लिया, हूँ पानी नहीं है। तो जी व्यूअर्स हम आप करने शुरू तो किस तरह पकाना। तो जी व्यूअर्स मैं घी पा दिता है देखो और घी हो गया गर्म। तो पाने जी चावल, चावल बॉइल करके तो उन्होंने मैं ठान के पानी बिल्कुल खुशक पा हो गया चावल का आस्ता आस्ता इन पानी। तो जी व्यूअर्स तुम देखो कि घी के चावल ला के चंगी तरह फिर चीनी पा देनी है। चीनी भी मिक्स कर लेना चंगी तरह कि एक जान हो जाए और आस्ता आस्ता चम्मच हिलाना है ताकि चावल जड़े है वो टुट ना जाए। देखो कि चीनी केड़ी है वह भी बिच खुर गई है। देखो कि चीनी भी बिल्कुल खुर गई है, बिच नज़र नहीं आ रही। और तुम्हें पता है कि हल्का जहा केड़ा पानी है वह तो चीनी ने छड़ना है, उन्होंने आप खुशक कर लेना पानी और हिलाई रखना है ताकि चावल केड़े थले लगन पीना और बहुत आस्ता आस्ता हिलाना है। पानी का खुशक हो जाता है फिर पकाइया चीज़ा जड़िया ने फिर पानी और सारा तो चावल सारे इकट्ठे कर लेने। चीनी ने पानी छाड़ दिता सारा तो नहीं ना पाऊँ।
पानी पा लो मैं कप के विच उनके तीन रंग के कलर आ कड़े अपने पा के दैन दो चमचियाँ पकड़ के लिया और इनका भी ख्याल करना ताकि भी ना लग जाए। थोड़ा थोड़ा दूर भी रखना है आपस से रल भी जान देने। पानी खत्म कुछ देखो हो रहा लेकिन लहदा लहदा चमकी के नाल मिक्स करने नहीं तो आपस से अगर एक ही आप चमकी मारांगे तो सारे रंग जड़े ना इकट्ठे मिक्स हो जाने। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लहदा लहदा चमकी के नाल इन्हें मिक्स करना है। सब्जी विवर हम पाने छुआरे गोशत जड़ा आप पहले ही बॉइल करके रख लिया कि चिकन उन्हें पा देना। हमने ना अच्छी तरह मिक्स कर दिया। सारिया चीज़ा बना के रख लेनिया ने क्योंकि कदों तुम पकाने चावल बॉइल करके कदों घी पा के चीनी पानी आ उस पहले तभी सारिया चीज़ा किस तरह मैं कट के हर चीज़ में तैयार करके रखा है इसका पहले रख लेना क्योंकि बहुत ही जल्द के करना है वे जी भी बस हम देखो जोड़ा चिकन पाया वह भी मिक्स हो गया चीनी जोड़ी पाई है वह भी मिक्स हो गई है। हूँ मैं तो जी भी बस सारा कुछ मिक्स कर लिया इन नीचे तार लेना क्योंकि उपर अग पर पता है बलती रहनी है तो मेरे को जल ना जाए इसलिए नीचे ला के। तो जी भी बस तुम देखो कि हम मैं चिकन के मैं सैडा तो कर दिता क्योंकि बिच पाना इनके कलर रंग पाना तो वह भी तुम दसनी किस तरीके पाना है सिर्फ एक एक चम्मच पाना है। पहला चम्मच ये भी खिला के पाना कलर है भी एक चम्मच पाना है। जी भी बस हूँ सारा सारिया केड़िया चीज़ा वा वह भी इनके उपर पा देनिया ने केड़ा मिलक पैक का क्रीम का यह भी पा देना हम दम दे देना तवा लिया गया पकड़ के क्योंकि इनकी अग तेज आ तवा केड़ा इनके उपर रख के तो फिर मैं उपर रखना थोड़ा दम दे दिता है ठीक है। 10 to 15 मिनट मैंने दम देना है। दम देने तो बाद फिर आप इन्हों पट के देखा जी भी बस देखो कि माशाल्लाह
हो गए ने तैयार, मिठे चावल भी आप इन्होंने कह सकते हैं, चिकन वाले और मतंजन भी कह सकते हैं, ठीक है। और देखो चमचा मिल चुका सही तरह नज़र आ रहा, और देखो माशाल्लाह किन्ने प्यारे लग रहे, कड़े आ रसगुल्ले सन, ये गुलाब जामुन, ये मैं वैसे बेच नहीं पाए क्योंकि बेच पाती तो इन्होंने खोजना सीखो, तो आप सारी डिश नू चंगी तरह पका लेना, उस तो बाद दम कदों आप दम तो उतार लेने चावल, उस तो बाद आप गुलाब जामुन और रसगुल्ले कड़े उत्ते पाने मतंजन दे विच, और एक मिनट कच लैन दो ना सारे ठंडे हो जाए, और आज से देखो कि माशाल्लाह बन गए हैं, और थाली के मैं पा लेने, और अम्मी नू चेक कराने और पूछने अम्मी नू कि किदां ते लग गया, और अम्मी ने बनाई है जी भिंडी ते नाल बीफ, थोड़ा प्याह होया सी ते अज असीं भिंडी ते बीफ खाना है गावे। अम्मी ते फोन एक बारी मैं बात कर ला, अम्मी फोन बड़े आते हैं इन धियां ते जी, हुण अम्मी नू पूछने आ, और अम्मी चाह के वेख दीए फिर अम्मी पुछांगे कि किस तरह के अम्मी लगे आला। क्योंकि अभी बार तुम पता है कि ईद तो पहले दिन असं बनाया सी, मिठी चीज़ बनाई सी, कस्टर्ड बनाया सी, और वह भी बड़ा टेस्टी बनाया सी, तो दूसरे दिन असं कोई भी मिठी चीज़ नहीं बनाई गई, तो अज ईद का तीसरा दिन है, तो इसलिए असं क्या कि कोई ना कोई मिठी चीज़ होनी चाहिए है। माँ बाप का इहतराम करना चाहिए, ठीक है, बाकी तुसी किन्दे नाल मर्जी लड़ लवो झगड़ लवो, लेकिन माँ बाप नू कदे भी तुसी ना नाराज करो, ठीक है, उन्हां दा ख्याल करो, और ज़्यादा तो ज़्यादा कोशिश करो कि उन्हां नू कि चीज़ चाहिए, अपने इंसान नू कोशिश करनी चाहिए कि अपने माँ बाप की कि चीज़ चाहिए या जो भी उन्हां दी जरूरत है, क्योंकि सारी जिंदगी है सानू सामते या पर तुसी छोटे जे हुंदे आ, और सियाणे आंदे ने ना कि छे एक माँ दे छे बच्चे हुंदे ने, चार हुंदे चार पुत्तर हुंदे आ, तो चारां नू एक माँ बाप साहब लैंदा, लेकिन कदों चारे जवान हो जांदे, चारां दी शादियां हो जांदियां ने, ते चारे कहड़े ने ओह फिर अपने माँ बाप नू नहीं संभालदे हैगे, तो इस तरह एक कोशिश करनी चाहिए है, ठीक है, कि अपने माँ बाप का इहतराम करना चाहिए, और मेरी कोशिश यही होंगी कि मैं अम्मी जी को अम्मी नू किसी शहर की लोड़ पवे तो मेरे इनके कहने तो बगैर ही मैं पता लग जाए तो मैं दे देवा, क्योंकि असी नहीं संभालना तो किन्ने संभालना है, तो अम्मी आंटी जी कि माशाल्लाह बड़े सोहने पक्के आ, तो जी भी बस अम्मी खा रही अम्मी नू पसंद आ गए हैं, अम्मी आंटी बड़े मजेदार बने ने, तो जी भी बस शाम का टाइम हो गया है, और हूँ मैं बना लगी हाँ भिंडी तो बीफ, वह भी किसी दिन मैं उन भी बना के अपने व्यूवर्स में दिखावगी कि मैं किस तरीके बनानी हाँ, जो मैं मेरा तरीका अच्छा लगता मैं उस तरीके कोई भी रेसिपी है मैं बना लेनी हाँ, और मेहनत करने धनबाद का भी लोग अच्छा लगा होगा, अपनी होस्ट सोफिया खान इजाजत हो, दुआवां याद रखना, फिर एक नए व्लॉग के फिर हाजिर होवगी, अल्लाह हाफिज़।